आज हम बहुत ही बढ़िया सा डेजर्ट बनाएंगे, बेहद मुंह में घुल जाने वाला मिष्टी मलाई। इसे खाके आपको आपकी बचपन की यादें तरोताजा हो जाएगी। ये केवल दो इंग्रेडिएंट से बन जाती है और वो भी 20 मिनटों में। इस बढ़िया से डेजर्ट बनाने के लिए हमें फुल फैट 1 लीटर दूध लगेगा। उसी में जाएगा 1.5 कप गुड़ का पाउडर। अगर आप नॉर्मल गुड़ इस्तेमाल करना चाहते तो आप थोड़ा सा उसे गर्म पानी में घोल लीजिए और फिर इस दूध में डाल दीजिए। स्वीटनेस आप अपने अनुसार थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जाएगा वेनिला एसेंस, केवल 2 से 3 ड्रॉप। अगर वेनिला एसेंस ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और बस अच्छे से इसे घोल लीजिए ताकि जो गुड़ की घाटे हैं वो अच्छे से पिघल जाए। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो दूध का टेक्सचर है, जो दूध का कलर है, वो भी बदल चुका है। कुछ इस तरीके से चॉकलेटी फ्लेवर आपको दिखाई देगा। अब एक स्टीमर बना ले रहे हैं, उसके लिए मैंने कढ़ाई ली, उसमें 1 कप पानी डाल दिया, उसे 5 मिनटों के लिए अच्छे से उबाल लिया और इस तरीके से बड़ी सी थाली रख देना और जो मिक्सचर हमने बनाया है उसे ट्रांसफर करके ढक्कन ढककर लगभग 20 मिनटों के लिए पकाने छोड़ देना है। अगर इस तरीके से थाली ना हो, आपके पास स्टैंड हो तो आप स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस 20 मिनटों के बाद एक बार नाइफ पोक करके देख लीजिए ये पक गया है क्या नहीं, और इसे कट करके रेफ्रिजरेट करके इसे ठंडा ठंडा खाइए। यकीन मानिए दोस्तों, आप इसे खा के बेहद ही एंजॉय करोगे और बच्चों को तो देना और भी बेहतर है, क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करते हुए गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसे खा के आपको आपकी बचपन की यादें जरूर याद आ जाएगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।